जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजु फॉर यू में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 लाख रैंक तक के बच्चों को भी गवर्नमेंट कॉलेज अलाट हुआ है, ठीक है। और आपका भी गवर्नमेंट कॉलेज अलाट हो सकता है, आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा वो सभी चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये आप ये देखिए कि 1 लाख रैंक होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है, पहले आप प्रूफ देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 लाख तो रैंक नहीं है, लेकिन 62,442 यानी कि 62,442 रैंक होने के बावजूद भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच इनको अलाट करवाया गया है काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के थ्रू। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कतौना बाराउद बागपत रनिंग एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सतौली अमरोहा, ठीक है, लाइकली टू बी शिफ्टेड बट गवर्नमेंट है ये, ठीक है। अब अगर आप परफेक्शन की बात करेंगे कि कितनी परफेक्ट तरीके से काउंसलिंग कराई गई थी, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक ही चॉइस फिल किया गया था जो कि ये चॉइस था, मैं आपको अभी दिखा भी दे रहा हूं। और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच भी चॉइस की गई थी और वही अलॉट भी हुआ है, इतना परफेक्ट तरीके से काउंसलिंग यहां पर कराई गई थी। आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही स्टूडेंट है, अरविंद सरोज नाम है और इनका रैंक है 62,442। और इनको देखिए वही सेम कॉलेज और चॉइस, केवल एक ही चॉइस यहाँ पे की गई थी और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, और इनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और भी हाई रैंक। और अभी तो आप कहेंगे कि ये शेड्यूल कास्ट यानी कि SC का स्टूडेंट है इसीलिए इसको मिल गया, तो चलिए मैं आपको एक जनरल के स्टूडेंट का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होते हुए दिखाता हूं यहीं पे लाइव, ठीक है। तो इस स्टूडेंट को आप देखिए, इसका जो रैंक है ये है 82,271 यानी कि 82,271, और नाम है राजेंद्र तिवारी। मैं आपको अभी जो चॉइस फिलिंग वाला पेज है वो भी दिखाऊंगा, वहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इनका ओपन रैंक से यानी जनरल कोटा से इनका एडमिशन हुआ है, कोई यहाँ पे रिजर्वेशन इनको नहीं मिला है। हालांकि जो ब्रांच है वो यूनिक ब्रांच है आर्किटेक्चरल असिस्टेंसिप, जिसका आप बहुत सारा उदाहरण आज के समय में देख सकते हैं, लाइक वर्ल्ड की सबसे ऊँची इमारत जो है आपकी बुर्ज खलीफा, वो आर्किटेक्चरल का ही एक आर्किटेक्चर ही बहुत सा जो है शानदार सा उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्किटेक्चरल असिस्टेंसशिप अपने आप में एक यूनिक ब्रांच है, ठीक है, और काफी बच्चे सक्सेस हो रहे हैं इस ब्रांच से जो है इंजीनियरिंग करके, ठीक है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूं इनका जो चॉइस फिलिंग वाला लेटर है, उसमें आप देखिए कि उनका कितना चॉइस फिलिंग किया गया था और उसमें से इनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोरोन कासगंज अलॉट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम है राजेंद्र तिवारी और रैंक 82,271 सेम रैंक है। अगर कैटेगरी आप देखेंगे तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी है इनका और जेंडर इनका मेल है यानी कि ये लड़के हैं, ठीक है। और इनको देखिए पहला चॉइस जो कि हम लोगों ने फिल किया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोरोन कासगंज आर्किटेक्चरल असिस्टेंसशिप, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इतने शानदार तरीके से काउंसलिंग कराए हैं कि इनका केवल 3 चॉइस फिलिंग किया गया था और 3 में भी इनका 1 गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया और इस समय ये फिलहाल एडमिशन ले चुके हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब 1 लाख के ऊपर मैं चल रहा हूं और सीधे 1 लाख के ऊपर रैंक वाले को स्टूडेंट को दिखाता हूं कौन सा ब्रांच मिला, कौन सा कॉलेज मिला, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है। अर्पित मिश्रा नाम है, मिश्रा का मतलब आप जानते ही हैं जनरल में आते हैं, हालांकि इनके पास EWS सर्टिफिकेट है, 5% का इनको ओनली रिजर्वेशन मिला था। रैंक आप देख सकते हैं 1,04,342 और इनका 3 चॉइस फिलिंग किया गया था, जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद, DJ पॉलिटेक्निक बाराउद बागपत और जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर, और तीनों ही एडेड कॉलेज था। हालांकि रैंक इनकी 1 लाख के पास थी और ये जनरल कैटेगरी से आते हैं, इस वजह से इनको अर्ध सरकारी यानी कि सहायता प्राप्त कॉलेज ही मिल सकता था। इनको कंप्यूटर साइंस एंड जो इंजीनियरिंग वाला ब्रांच है ये अलॉट करवाया गया जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद सीतापुर में, ठीक है। और आप यहां पर अलॉटमेंट देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद सीतापुर एडेड कॉलेज, इनको ओपन रैंक ओपन कैटेगरी से अलॉट हुई है। यहां पर EWS कोटा भी इनका नहीं लगा है और 1 लाख
4342 रैंक पर भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इनको सहायता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया है। और ये जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं, फिर भी इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। और चॉइस फिलिंग की अगर बात करेंगे तो मात्र 3 कॉलेज ही चॉइस फिल किए गए थे। और अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो हालांकि संख्या तो बहुत ज़्यादा है बच्चों की जिनका यहाँ पर हाई रैंक पर भी एडमिशन कराया गया है, मैं सभी को तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो हाई रैंक वाले बच्चे थे उनको यहाँ पे एडमिशन मिला, जैसे 57685, ये भी जनरल कैटेगरी का जो है स्टूडेंट है करण सिंह, और इसको गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर एडेड कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से एलोकेट कराया गया है 57685 रैंक होने के बावजूद भी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में भी कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ, और एक बच्चे का यहाँ पे आप देख सकते हैं लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ एडेड कॉलेज में, जो कि SC यानी शेड्यूल कास्ट से है, इसका 21239 रैंक होने पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ जो कि एडेड है, यहाँ पे इनका मन था कि ये एडेड में पढ़े, इसलिए जो है एडेड कॉलेज में इनका एडमिशन कराया गया है। ठीक है, अब इसके बाद और भी ऐसे बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दिलाया गया है, इनकी रैंक 21400 जो है 82 रही है, और ये जो है जनरल कैटेगरी से आते थे, इनको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से पढ़ना था, इनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर जो है अलॉट करवाया गया है, और फिलहाल ये भी एडमिशन ले चुके हैं। और एक और स्टूडेंट है जय किशन कुमार, ठीक है, जो कि SC कैटेगरी से आते हैं, और इनको भी सिविल इंजीनियरिंग अलॉट कराया गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कतौना बाराउद बागपत में, 53015 जो है इनकी रैंक रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक और उदाहरण दे सकते हैं बच्चे का, 79885 रैंक रही है OBC यानी कि बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास का यानी कि पिछड़ा वर्ग में, और इनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है श्रावस्ती अलॉट कराया गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और ऐसे ढेरों एग्जांपल हैं जिसमें जो है हाई रैंक वाले स्टूडेंट को, मैं यहाँ पे आपको सभी को नहीं दिखा सकता, आप देख सकते हैं कि लिस्ट लगातार यहाँ पर जारी है, काफ़ी सारी लिस्ट है। ठीक है, और हाई रैंक पे भी बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे जो है यहाँ पर ब्रांच एलोकेट करवाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको 4th राउंड काउंसलिंग में कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज और ब्रांच अच्छा जो है अलॉट हो, इसके लिए जो व्हाट्सअप नंबर 2 डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उन पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप एडवाइस चाहते हैं तो पेड एडवाइस मिल जाएगी, अगर आप उनसे अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपकी काउंसलिंग भी करवा दी जाएगी। ठीक है, अदर और भी हेल्प चाहिए होगा तो वो जरूर आपके जो है हेल्प करेंगे, और पेड एडवाइस देते हैं वो। ठीक है, तो वो जो है आपकी हेल्प जरूर करेंगे एग्जीक्यूटिव। तो अगर आपको भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक छोटा सा टिप है कि चॉइस फिलिंग करने से पहले वैकेंट सीट की लिस्ट जरूर देखिएगा, gcap.nic.in पर जल्द ही अवेलेबल कराई जाएगी, और आपका चॉइस फिलिंग करने से पहले कट ऑफ जरूर चेक करिएगा, और इन दोनों ही चीज़ों को अगर आप चेक करने में असमर्थ हैं तो फिर आप एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोनों ही यहां पे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सअप करके आप एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, काउंसलिंग एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का पाने का जो मौका है वो खोने से बच सकते हैं, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन 2021 में ही ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में अच्छे ब्रांच में एडमिशन लें। जय हिंद।